Hello everyone, my name is Shruti Verma and welcome to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, हमारी आज की वीडियो रेगुलर वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली क्योंकि आज हम बात करने वाले प्रोफेसर एंड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट दयाराम वर्मा सर. सर इस वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सर ने दी हुई है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जो शायद आपको पहले नहीं पता हो. और साथ में इस वीडियो में आपके जो खुद के क्वेश्चंस थे उनका आंसर भी है, वो भी आपके जो हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है उन्होंने ही उन क्वेश्चंस का आंसर दिया है. सो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा फिंगरप्रिंट्स के बारे में. सो देर किस बात की है, लेट्स बिगिन. So first of all, I would like to welcome our professor and fingerprint expert, Dr. Dayaram Verma sir. So thank you so much for joining with us. And सबसे पहले तो आप अपने बारे में अगर कुछ बताएं. मैं गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट सर्विस यानी पुलिस विभाग का एक ब्रांच है फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो सीआईडी के अंतर्गत आता है. इससे मैं जो है रिटायर हुआ हूँ 2011 में और फिंगरप्रिंट से संबंधित मैं सारा कार्य किया हूँ. पुलिस विभाग में आने के बाद जो है इसको ज्वाइन किया था, मैं ट्रांसफर हुआ था मेरा फिंगरप्रिंट ब्यूरो में. और इसके पहले मेरे बारे में व्यक्तिगत जो है जो जानना है वो इस विभाग में मैं बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर चुका हूँ, जो है करीब लाखों क्या करोड़ों और भी ज़्यादा जो है फिंगरप्रिंट्स को कंपेयर किया हूँ. सस्पेक्ट पर्सन के फिंगरप्रिंट्स को हमारे यहाँ जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है इसमें जो रिकॉर्ड है करीब उत्तर प्रदेश फिंगरप्रिंट ब्यूरो में 4 लाख के आसपास रिकॉर्ड है. इनमें उसको सर्च करना सिस्टमेटिक ढंग से वो एक एक्सपर्ट ही कर सकता है जो है, या जो इसके बारे में जानता है जो वहाँ पर नियुक्त हो, जो ट्रेंड हो. और मेरा पर्सनल लाइफ में जो है मैं तो स्पोर्ट्स में रहा हूँ, जो है मैं 75 में इंडिया खेल चुका हूँ. इसके बाद जो है पुलिस विभाग में करीब एज ए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट 35 ईयर जो है मैंने सर्विस किया. और रिटायरमेंट के बाद जो है आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में MSc फॉरेंसिक साइंस के बच्चों को मैं एक 4-5 बैच पढ़ाया मैं जो है कई साल से, और अच्छा ही रहा सब लोग, जिसमें से श्रुति जी भी हमारी स्टूडेंट रही हैं जो है, और ये बेस्ट स्टूडेंट रहे. तो और इसके बारे में और क्या जानना चाहती हैं आप बताएं. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं तो जनरली उनका इंटरेस्ट नहीं होता है फिंगरप्रिंट ब्यूरो में, तो आपको किस चीज ने मोटिवेट किया, आपको किस चीज से इंटरेस्ट था कि आपने फिंगरप्रिंट ब्यूरो में शिफ्ट किया. जी सही बात, सही कह रही हैं आप जो है. फिंगरप्रिंट ब्यूरो हो चाहे और भी पुलिस विभाग के अलावा जितने भी यूनिट्स हैं, जैसे CID है, क्राइम ब्रांच है, और क्राइम ब्रांच में भी तमाम सेक्शंस हैं, EOW है और PSC है, और इसके अलावा जो है एंटी करप्शन है, ATS है, STF है, ये सब जो है GRP है, तमाम विभाग होते हैं. इसमें अपना अपना लोगों का कुछ तो इंटरेस्ट होता है खुद का जो है कि आप जो है उसमें जा सकते हैं, और आपको पसंद है तो अपना पुलिस विभाग से यूपी पुलिस से उसमें आप जा सकते हैं. अगर आप किसी या तो डिपार्टमेंट जो है खुद ट्रांसफर कर देता है, वो जो है उनको आवश्यकता अनुसार जो है वो अपने आप भी ट्रांसफर कर सकता है जो है, तो आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पर जो है. मुझे जो है इस विभाग में इंटरेस्ट यूँ रहा कि शुरू से CID विभाग के तमाम किस्से सुनते आए थे हम, कि CID विभाग में ये होता है और इस तरीके से लोग जो है वर्क करते हैं. तो हम लोग तो गांव के रहने वाले और बहुत ज़्यादा जो है पुलिस विभाग और CID विभाग के बारे में नहीं जानते थे, मगर ये था कि CID विभाग जो है वो यूनिक विभाग है और दंडफन पहले से भी नहीं था जो है. तो पुलिस विभाग में आने के बाद जो है पोस्टिंग
हुई इधर उधर पुलिस वर्किंग जो है, एक तो उसमें 24 घंटे की ड्यूटी पुलिस विभाग में, दूसरे वहाँ की वर्किंग जो है कुछ डिफरेंट टाइप की है जो है, और जिसमें कि हर चीज़ तो नहीं बताया जा सकता, मगर सीआईडी विभाग में मैंने जो है ट्राई किया, मैंने एप्लीकेशन दिया कि मैं जो है अपने स्वेच्छा से सीआईडी विभाग में जाना चाहता हूँ, तो सीआईडी विभाग में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। और यहाँ आने के बाद जो है फिंगरप्रिंट ब्यूरो, इसमें एक ब्रांच था क्राइम ब्रांच का, उसमें जी मैं अपना ट्रांसफ़र करा लिया, और फिर वहाँ के वर्किंग को सीखते हुए फिंगरप्रिंट ब्यूरो में मैं पूरी सेवाकाल अपने जो है फिंगरप्रिंट ब्यूरो और पुलिस कंप्यूटर केंद्र जो टेक्निकल सर्विसेज के अंतर्गत आता है, इसमें मैंने सर्विस की पूरी जो है। और क्या जानना चाहते हैं हम? सर, अगर हम बात करें जैसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो होते हैं, तो जी उनका बेसिकली क्या काम होता है, क्या उनका पूरा प्रोसीजर वर्क प्रोफाइल क्या होती है, तो उसके बारे में बताइए प्लीज। जी इसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि फिंगरप्रिंट ब्यूरो में आने के लिए, पुलिस विभाग से फिंगरप्रिंट ब्यूरो में आने के लिए जो है क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरी है जो है। ठीक है, तो सर्वप्रथम फिंगरप्रिंट ब्यूरो में आने के लिए पुलिस विभाग में आना बहुत जरूरी है। जी सर, पुलिस विभाग में जब आप आ जाएंगे तभी आप फिंगरप्रिंट ब्यूरो में आ सकते हैं, और वैसे जो है डायरेक्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो में कोई जो है ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से अपनी पोस्टिंग करा ले और एक्सपर्ट बन जाए और कार्य करे यहाँ पर, ऐसा नहीं है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की ही एक इकाई है, एक ब्रांच है, जी सर, जिस प्रकार डीजीपी के अधीनस्थ तमाम इकाइयां हैं, जैसे पुलिस विभाग, पीएसी, जीआरपी, सीआईडी, इंटेलिजेंस, ईओडब्ल्यू, एंटी करप्शन और एसटीएफ, एटीएस, और इसके बाद एफएसएल, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ये तमाम विभाग सब डीजीपी के अंतर्गत जो है ये सारे विभाग जो है, और जी ये विभाग जो है फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुख्यालय जो आपके सिग्नेचर बिल्डिंग है इसमें, इस आज के डेट में यहीं पर है ये फिंगरप्रिंट ब्यूरो। सर, ये सिग्नेचर कहाँ पर है यहाँ पे? आपका गोमती नगर में पड़ता है, ओके सर, पहले ये महानगर में था, फॉरेंसिक साइंस लैब के साथ जो है ये था उसी जी बिल्डिंग सर, में, अब जो है ये सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर में है। ओके तो सर, ये जो है जितने भी इकाई हैं सबका कार्य अलग अलग होता है, जी जैसे सर, फिंगरप्रिंट ब्यूरो में गए तो फिंगरप्रिंट से संबंधित सारा कार्य है, एफएसएल में जो है वहां पर तमाम तरीके की जो है वहां पर जांच जो होती है सारे जो है वो होती है, एटीएस, एसटीएफ और जीआरपी, जीआरपी रेलवे पुलिस है, पीएससी अलग है जो है, वो सबका अलग अलग काम है, वैसे ही एक फिंगरप्रिंट ब्यूरो है पुलिस विभाग में। तो पुलिस विभाग से जो है फिंगरप्रिंट ब्यूरो में आना जरूरी है, तभी जो है फिंगरप्रिंट ब्यूरो का आप कार्य कर सकते हैं। और ओके इसमें जो है मैं भी पहले पुलिस विभाग में था, इसके बाद इच्छा हुई मेरी कि मैं सीआईडी में ट्रांसफर करा लूं और फिंगरप्रिंट ब्यूरो में रह करके अपना कार्य करूं, तो आई वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड इन द पुलिस डिपार्टमेंट, आफ्टर दैट आई वॉज अपॉइंटेड इन द फिंगरप्रिंट ब्यूरो, सीआईडी क्राइम ब्रांच। आई गेन्स एक्सपीरियंस इन ऑल काइंड ऑफ फिंगरप्रिंट रिलेटेड वर्क फॉर 3 ईयर्स, आफ्टर पासिंग द स्टेट लेवल प्राइमरी एग्जाम ऑफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, आई अपीयर ऑल इंडिया लेवल फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एग्जामिनेशन जी विच इज कंडक्ट बाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी सी एफ पी बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल, रिटन प्रैक्टिकल एंड ओरल एग्जाम, ये सारे एग्जाम्स इसमें होते हैं। सबसे मेन चीज तो ये है कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये होगा तभी आपको सिविल पुलिस से यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस से इसमें आने पे तभी फायदा होगा, क्योंकि अगर जी आपकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है तो आपको आने से इसमें कोई फायदा नहीं होगा।
आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे जो है। तो इसलिए सबसे पहला चीज जानना जरूरी है कि क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एग्जामिनेशन में के लिए, नॉमिनेशन के लिए जो है ये जरूरी है कि आप साइंस ग्रेजुएट हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और फिंगरप्रिंट ब्यूरो में, चाहे वो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो हो या स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो, तो उसमें आप कार्यरत हों। तो उसमें कार्यरत तभी होंगे जब आप पुलिस विभाग से इसमें ट्रांसफर अपना करा के नियुक्त तो होंगे, ठीक है। और जी इसमें और आने के बाद जो है, हु हैज कंप्लीट 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिंगरप्रिंट वर्क अंडर ए क्वालिफाइड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। एक क्वालिफाइड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो पहले से एक्सपर्ट पास हुआ होगा, हो चुका होगा, उसके अंडर में आपको 3 साल फिंगरप्रिंट वर्क का एक्सपीरियंस लेना है। उस विभाग में क्या क्या काम होता है वो सब सीखना है आपको जो है। और देन द कैंडिडेट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द ऑल इंडिया बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। ये क्वालिफिकेशन है, कम से कम ये क्वालिफिकेशन इतना हो तभी आप जो है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनने के लिए आप अपने क्वालिफिकेशन सुटेबल होगा आपका जो है। और ओके इसका क्या क्या है इसमें जो है, आकर के एक्सपर्ट बनने के बाद जो है, नहीं एक्सपर्ट बनने से पहले आपको क्या तैयारी करना है, कैसा एग्जाम होता है, इसमें जो है द एग्जामिनेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में इसका एग्जाम होगा। फाइनल वो ऑल इंडिया लेवल पे होगा, और जिसको मैंने जो है 1980 में पास किया था, जी सर। कलकत्ता सीएपीवी कलकत्ता से मैंने पास किया था 1980, 1980 में मैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एग्जाम पास किया था जो है। उसके बाद से जो है फिंगरप्रिंट ब्यूरो में जो भी वर्क था वो किया, वो बताएंगे आगे आपको जो है। तो इसमें थ्योरेटिकल यानी रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, 100 नंबर का होता है। इसमें 60 मार्क्स तो आपको पाना ही पाना है, ओके 60 होता तो आपको पास नहीं करेंगे, फेल कर देंगे। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 75% पासिंग मार्क्स है। ओके 75% जब पासिंग मार्क्स आएगा या इससे अबव तभी आप जो है पास होंगे। और जो वाइवा है, वॉइस एग्जामिनेशन, वो जो है उसमें वो 50 मार्क्स का होता है, इसमें भी 60% मार्क्स होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो है ये आपका एक हुआ है कि एक्सपर्ट एग्जामिनेशन पास करने के लिए इन तीनों एग्जाम को पास करना है। ये सब क्वालिफिकेशन होंगे, ये एग्जाम आप पास करेंगे तभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बन सकते हैं। सर बेसिकली मतलब अगर किसी को फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट में जाना है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनना है, तो उसके पास साइंस की डिग्री होनी चाहिए और वो डिपार्टमेंट का कोई ऑफिशियल होना चाहिए, उसके बाद वो इंटरनल एग्जाम को देकर देन वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बन सकता है। पुलिस विभाग में तो कांस्टेबल से लेकर के कोई जी सर, जी सर, किसी भी पद पे वो हो जाए। हाँ ओके सर। मतलब ये नहीं है, सिपाही भी एक भर्ती होता है, तो अगर क्वालिफिकेशन है उसकी तो वो अपनी पोस्टिंग करा सकता है वहाँ, अच्छा और इसके बाद जो है वो एक्सपीरियंस लेकर के और उसमें जो है एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है। इसके लिए कोई रैंक की कोई वो नहीं, वैधता नहीं है। ओके सर, जैसे कि यहाँ पर आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो अगर हम एक्सपीरियंस मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में ना होते हुए किसी और से ले लें, मतलब जो गवर्नमेंट का किससे ऑफिस। लेंगे आप बताइए। जैसे मैं हूं, ठीक है, नहीं उसमें क्या रेलिवेंट, एक एक्सपर्ट आपसे आपको एक्सपीरियंस लेना है पहली चीज। आप तो रिटर्न तो आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, मगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ लेंगी, उसके लिए तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो में जाना पड़ेगा ना। फिंगरप्रिंट ब्यूरो में कैसे 10 डिजिट क्लासिफिकेशन किया जाता है, रिकॉर्ड को कैसे रखा जाता है, रिकॉर्ड का यूटिलाइजेशन क्या है, जो एक सस्पेक्ट पर्सन जो अरेस्ट होते हैं सीन ऑफ क्राइम पे, उनके फिंगरप्रिंट कैसे हम कंपेयर करते हैं, मिलान कैसे करते हैं, कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट्स आ गया तो वो कैसे कंपेयर करेंगे, है ना। और तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि आपको उस फिंगरप्रिंट ब्यूरो के बाहर से आप नहीं सीख सकते जब तक वहां रह करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा। तो मतलब बेसिक नीड ये है कि हमको किसी भी पुलिस ऑफिशियल, कोई भी लेवल का हो, हमको बनना ही पड़ेगा, पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ज्वाइन करना ही पड़ेगा, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आप जो है उसमें फिंगरप्रिंट ब्यूरो में जा सकते हैं और वहां पर एक्सपीरियंस लेकर के एक्सपर्ट में एक्सपर्ट एग्जाम में अपीयर हो सकते। ओके सर, ठीक है। इसके लिए भी एक प्राइमरी एग्जाम होता है स्टेट लेवल पे जी जाने से पहले,
उसको पास करने के बाद ही आप जो है सेंट्रल लेवल के यानी कि ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में अपियर होने के लिए एलिजिबल होंगे। जी सर, ये भी जरूरी है कि आपको बेसिक जो एग्जाम यहाँ पर होता है लोकल एग्जाम स्टेट लेवल पे स्टेट ब्यूरो में, इसको पास करने के बाद तब वहाँ पर वो आपका नॉमिनेशन होगा जाने की। ओके सर। और आप पूछ रहे थे अभी कि वर्किंग जो है वर्क प्रोफाइल जो है ना, जी सर, फिंगरप्रिंट एज ए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट क्या काम किया हमने जो है, तो इसके में कि आफ्टर पासिंग द ऑल इंडिया लेवल फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एग्जामिनेशन द वर्क डन बाय मी इन द फिंगरप्रिंट ब्यूरो क्लासिफिकेशन मेन चीज। तो अभी तो कंप्यूटराइजेशन अब हो गया है सब, नहीं तो कंप्यूटराइजेशन के पहले मैनुअल सिस्टम था फिंगरप्रिंट का, मैनुअली लोग जो है उसको क्लासिफाई करते थे और फिर जो उसको एज रिकॉर्ड रखते थे। क्लासिफिकेशन किन व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जो भी कन्विक्ट पर्सन होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑफेंस में किसी भी क्राइम करते हुए वो पकड़ा जाता है, तो उसको जो है अरेस्ट जब वो होता है, अरेस्ट होने के बाद जो है जब वो कन्विक्ट होता है सजा पा जाता है, तब उसके फिंगरप्रिंट ब्यूरो में रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अच्छा, हाँ, फिंगरप्रिंट ब्यूरो में रिकॉर्ड सेक्शन है, इनके रिकॉर्ड करीब 4 लाख से अधिक अपराधियों के रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट ब्यूरो में है। ये तभी जो है वहां पहुंचते हैं इनके रिकॉर्ड जब वो कन्विक्ट हो जाते हैं सजा पा जाते हैं। हाँ, और इसके लिए जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट बना हुआ है, प्रिजनर्स एक्ट में बंदी पहचान अधिनियम जी सर, 3 है, धारा 3 के अंतर्गत जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में जिसमें कि सजा 1 साल या उससे अधिक हो, उसमें अगर वो अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट होता है और उसको न्यायालय से सजा मिल जाती है, तो उसके फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट ब्यूरो में रख दिए जाते हैं। अच्छा, इस प्रकार है, जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो उससे पहले रिकॉर्ड को कलेक्ट नहीं किया जाता। रिकॉर्ड को नहीं रखेंगे, ठीक अच्छा है। जी सर, एक ये तो रिकॉर्ड स्लिप हो गया, तो हाँ जैसे जैसे लोग कन्विक्ट होते हैं वो रिकॉर्ड उनके रख दिए जाते हैं। इसके लिए न्यायालय में एक फिंगरप्रिंट चेकिंग एक डिपार्टमेंट है हाँ प्रोफिशिएंट ब्रांच जिसको कहते हैं, तो ये जो है जैसे सजा मिलता है तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो लेकर के उस अपराधी को वहां जाते हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स उसके नाम पता और पूरा हुलिया जो है लिखने के बाद फिर जो है तभी वो जेल में उसको भेजते हैं और वो रिकॉर्ड स्लिप जो है फिंगरप्रिंट ब्यूरो में रिकॉर्डेड रहता है। तो ये रिकॉर्ड स्लिप हुआ एक तो काम जो है, जो कन्विक्टेड पर्सन है उनके रिकॉर्ड स्लिप जो है रखने का कार्य होता है एक्सपर्ट का, जी सर, और दूसरा कार्य है सस्पेक्ट पर्सन जो संदिग्ध व्यक्ति है जो किसी अपराध को करते समय वो पकड़ लिया जाता है एज ए सस्पेक्ट जो है, उसके भी फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उसको हम सर्च स्लिप कहते हैं। वो सर, सर्च स्लिप जो है हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 4 के अंतर्गत जो है वो सर्च स्लिप तैयार करते हैं, वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के सस्पेक्ट पर्सन के फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं, ये पुलिस विभाग को पावर है। ठीक है, जी इसके भी क्लासिफिकेशन करके हम तुरंत जो है रिकॉर्डेड जो हमारे यहाँ फिंगरप्रिंट्स है उसमें सर्च करते हैं। ये हमारा काम हुआ क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करके 10 डिजिट फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड तैयार करना, और इसके बाद जो है सस्पेक्ट पर्सन के फिंगरप्रिंट को सर्च करना। अच्छा ये दो काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और गिव योर ओपिनियन बाय मैचिंग ऑल द डिस्प्यूटेड फिंगरप्रिंट विद द सैंपल फिंगरप्रिंट। जितने भी डिस्प्यूटेड फिंगरप्रिंट्स हैं किसी जी डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे किसी ने फर्जी रजिस्ट्री बनाना करा लिया, किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके मेरे नाम से किसी को न्यायालय ले जा करके रजिस्टर ऑफिस में और रजिस्ट्री करा लिया मेरे जमीन को मेरे मकान को, तो जी उसमें फिंगरप्रिंट तो जिसको ले जाएगा उसी के लगेंगे, तो उसके बाद जो है वो कब्जा कर लेता है मेरा जमीन। मैं कहता हूँ कि मैंने तो बेचा ही नहीं, कहता कैसे नहीं बेचे, आप रजिस्ट्री किए हैं, ये मेरे पास रजिस्ट्री के पेपर हैं, ये सब दिखाता है उसमें। फिर उसमें एफआईआर दर्ज होता है और मिलान किया जाता है, जो
डिस्प्यूटेड फिंगरप्रिंट से और जो लाइव पर्सन है उसके फिंगरप्रिंट से, तो ये मैचिंग का कार्य भी एक्सपर्ट करता है, दोनों को अच्छा मिलान करता है कि ये फिंगरप्रिंट जो है अलग अलग है या एक ही व्यक्ति के हैं। और कुछ होते हैं मास्टर रोल, जैसे डिपार्टमेंट है 10 20 50 लोगों को जो है काम पर लगा दिया, नहर की खुदाई करनी है ना, और आजकल मनरेगा वगैरह में ये सब जो है जो स्कीम चली है और तालाब गाँव गाँव में खोदे जा रहे हैं, तो क्या करते जो कॉन्ट्रेक्टर हैं वो मास्टर रोल पे सबके तो थंब इम्प्रेशन नहीं लगवाता, वो खुदे जो है अपना इम्प्रेशन सब जगह लगा देता है और सबके नाम से पैसा जो है ले लेता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, कुछ फर्जी नाम लिख करके भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी काफी पैसा कमा लेता है, फोर्ज करता है जो है प्रकार से। तो उसके फिंगरप्रिंट जब हमारे यहाँ मिलान के लिए आते हैं, जब उन व्यक्तियों के नाम जब आता है कि आपने जो है इसमें कार्य किया है और आपको पैसे मिले हैं, तो कहता नहीं हमने ना काम किया है ना पैसे मिले हैं, फिर जो है फिंगरप्रिंट जो है उसके जो है मिलान किया जाता है, तो मालूम होता है कि सब हो जाए, एक ही आदमी ने सबका लगा दिया। तो ये जो है कंपेयर करने का काम है। जैसे कोई कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं मेरे सामने कि कोई डिफेंस में है, मिलिट्री में है कोई, वो हर महीने पैसा भेज रहा है मनी ऑर्डर अपने घर पे बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, और उस मैन तो जानता है कि साल भर में एक आध बार छुट्टी के लिए आते हैं जो है, मनी ऑर्डर उधर से है, पोस्टमैन जो है अपना अंगूठा निशानी लगा करके और पूरा पैसा अपने पास रख लेता है, पावती उसको भेज देता है। अच्छा छुट्टी पर वो आता है तो कहता है कि हमने तो हर महीने पैसे भेजे हैं, उसकी बीवी कहती है कि नहीं है तो जो है हमको बहुत ही पैसा जो है बीच बीच में नहीं मिला है इसी महीने में, फिर जो है वो कंप्लेन करता है, फिर वो पूरा जो है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से जो सारे पावती है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे विभाग में आता है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है, एज ए सस्पेक्ट जो है वो पोस्टमैन का भी फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो मालूम हुआ था कई जगह पोस्टमैन ने ही ड्रॉ कर लिया है। तो इस प्रकार जो है ये जो भी डिस्प्यूटेड केसेस हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग जो है, और इसको कंपेयर करते हैं, हमारे यहाँ ओपिनियन सेक्शन है, इसमें जो है ये सारे कंपेरिजन होते हैं जो है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्य हैं, सीन ऑफ क्राइम को अटेंड करना, अगर अधिकारियों ने आदेश दिया तो एक्सपर्ट जो है सीन ऑफ क्राइम पे भी जाता है और वो उसको उसमें से एविडेंस कलेक्ट करता है, फिंगरप्रिंट जहाँ कहीं भी पड़े रहते हैं उसको फिंगरप्रिंट लेता है और एविडेंस के तौर पे उसे जो है सस्पेक्ट पर्सन से मिलाया जाता है और जो भी होता है उस घटना के बारे में सही जानकारी जो है मालूम हो जाती है। मतलब जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं तो उनको क्राइम सीन पर जाने का भी मौका मिलता रहता हाँ, वो कोई कंपल्सरी नहीं है, है। कहीं बुलाया जाता है कहीं नहीं भी बुलाया जाता है, कुछ जिलों में एक्सपर्ट भी पोस्ट हैं ऑलरेडी जो है वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को भी कभी कभी जो है बुलाया जाता है तो वो जाना पड़ता है, क्योंकि तो जो एक्सपर्ट हो गया एक्सपीरियंस की वो सारे कार्य को जानता है। हाँ जी और सर थानों में क्राइम किट बॉक्स भी होती है, थाने को भी प्राइमरी जो है इसकी जानकारी होती है, सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना, उसको अनावश्यक छूना छाना नहीं, जी जिससे कि मालूम हुआ कि घर वाले प्रिंट्स आ गए उसमें, है ना, तो जी इस तरीके से ऐसा उनको सब जानकारी होती है, वो खुद जो है उसको पता कर सकते हैं कहाँ फिंगरप्रिंट्स है, डेवलपमेंट भी कर सकते हैं या बुला सकते हैं, हर जिलों में आपके फील्ड यूनिट है, काम ही है फिंगर मतलब कि सीन ऑफ क्राइम को अटेंड करना, वहाँ से जो साइंटिफिक क्लू है यानी साक्ष्य है वैज्ञानिक जो है उसको कलेक्ट करना और एविडेंस के तौर पे, और उसे जो है आईओ की मदद करना, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी मदद करना जो है उस अपराध को सुलझाने में जो है। जी तो सर जैसे अगर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट कोई अगर क्राइम सीन पर विजिट करते हैं तो उस कंडीशन में उनके पास में जो प्राइमरी किट रहती है तो उसमें क्या-क्या सामान वो लेके जाते हैं अपने साथ में। प्राइमरी किट में वो सारी चीज डेवलपमेंट के सारे सामान होते हैं, फिंगरप्रिंट पाउडर होते हैं, ब्रश होते हैं, और फुटप्रिंट के लिए फुटप्रिंट कास्ट होता है और जी फुटप्रिंट
बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और इस तरीके से बहुत सारे सामान होते हैं वो जी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास। इसके अलावा जो ब्लड सीमन सलाइबा क्लॉथ पीस हेयर पीस और भी जो कुछ मिलते हैं वहाँ एविडेंस के तौर पे, इसके लिए जी एक वैज्ञानिक जो है वहाँ पर होते हैं जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से जो है उसमें उनके साथ ही अटैच होते हैं वो भी जो। जी सर। तो सर अगर हम बात करें कि आपने जैसे बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया होगा जब आप डिपार्टमेंट में थे, तो उसमें कोई ऐसे कुछ केसेस बताइए जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, जिनको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तो ऐसा कुछ केस बताइए प्लीज। वैसे तो मैंने इतने दिनों में कई हजार केसेस मैंने सॉल्व किए हैं और जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो लोग अदर स्टेट में हैं, पूरे जी ऑल इंडिया में कई स्टेटों में वो रहते हैं और वहाँ क्राइम करते हैं अपना नाम पता बदल करके, जी इन लोगों के भी फिंगरप्रिंट्स मैं जो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट ब्यूरो में ट्रेस करके उनका सही नाम पता बताया हूँ और उस केस को सॉल्व किया हूँ मैं। सबसे इंटरेस्टिंग केस हमारे लाइफ में, सबसे इंटरेस्टिंग सबसे अच्छा केस जो था, बढ़िया जो है वो नटवर लाल था, मिस्टर नटवर लाल, इंटरनेशनल चीटर। इसका जो है सबसे ज़्यादा इसके अंदर ये था कि ये हमेशा अपने हाथों को घिसता पत्थर पे और कहीं इधर उधर, जिससे कि उसकी रिजिड जो है वो बिगड़ जाती थी, थोड़ा सा खुरदुरी हो जाती थी। उसको कि हम अगर पहचाने जाएंगे तो फिंगरप्रिंट से पहचाने जाएंगे, नहीं तो वो तमाम नाम पता अपना बदल करके जो है अपराध करता। 1987 में मैंने जो है ये इंटरनेशनल चीटर जो है नटवरलाल का केस सॉल्व किया था। ये अपना नाम पता बदल करके कई जगह कम से कम नहीं तो 100 टाइम क्राइम किया होगा इसने, और जिसमें कुछ ही बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता था, अगर कभी अरेस्ट होता था तो ये कुछ चालबाजी करके वहां से निकल जाता था, इसीलिए इसका नाम नटवर लाल पड़ा जो है। ये पिक्चर भी आई नटवर लाल जो है। तो इस तरीके से जब मेरे यहाँ ये केस आया था तब उसने जो है जो सर्च स्लिप आई थी एज ए सस्पेक्ट पर्सन, तो इसने अपना नाम शंकर लाल बताया था, पकड़ा गया था तो शंकर लाल रेजिडेंस ऑफ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बताया था, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट ऑफ शंकर लाल हिज प्रीवियस कन्विक्टेड वॉज डिस्कवर इन द फिंगरप्रिंट ब्यूरो, देन इट वॉज फाउंड दैट हिज रियल नेम इज मिथिलेश कुमार इलियस नटवर लाल। इसका सही नाम जो है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, मिथिलेश कुमार उर्फ नटवर लाल इसका सही नाम था जो है। और इसका रेजिडेंशियल एड्रेस जो है ये सिवान जो है बिहार का रहने वाला था, बिहार स्टेट सिवान का रहने वाला था। और एंड एट द टाइम नटवर लाल वॉज 73 ईयर ओल्ड, जब ये पकड़ा गया था तो उस समय ये 73 ईयर ओल्ड था, 73 साल उसकी एज थी। अब इसके पहले इसने कम से कम कितनी क्राइम किया था वो सारा रिकॉर्ड्स जो है मैंने बताया था है, पुलिस डिपार्टमेंट को, आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो है जी, उसको कुल मिलाकर 100 साल से भी अधिक की सजा हो चुकी थी, यानी किसी में 2 साल किसी में 1 साल, है ना। हमने बताया कि कई क्राइम में पकड़ा गया था मगर वो बीच में जो है वहीं से वो बेवकूफ बना करके पुलिस को जेल को इधर उधर से भाग जाता था जो है, फिर गायब हो जाता था। ऐसा इसके ऊपर वारंट ही समझ लिए कि ये रहती थी जो है इसको अरेस्ट करने के लिए, मगर ये कहीं अरेस्ट नहीं होता था क्योंकि तो अपना नाम पता गलत बताता था, ये कई तरीके की भाषा जानता था, हाँ ये सब भाषा बोल लेता था, हिंदी इंग्लिश और पंजाबी, और ये कहिए जहाँ जिस स्टेट में जाता था उसी भाषा में बात करता था और उन लोगों को जो है वहाँ चीटिंग करता था, इसलिए ये आसानी से जो है उनको बेवकूफ बना देता था और वहाँ से कोई पकड़ नहीं पाता था इनको। अगर पकड़ा जाता था
तो वो नाम पता गलत बता करके अगर फिंगरप्रिंट ब्यूरो में उसको नहीं भेजा जाता था तो समझिए वो उसको नहीं पता चलता था पुलिस विभाग को कि एक अपराधी जो है नया है या ये हैबिचुअल है। यह कि अपराधी चाहे कितना भी नाम बदल करके अपने अपराध को करता है, अपने अपराध को छुपाना चाहता है, किंतु अपने फिंगरप्रिंट्स को नहीं बदल सकता, ठीक है। तो इसलिए जो है न तो उसको नष्ट कर सकता है, फिंगरप्रिंट के माध्यम से जो है वो अरेस्ट हो सकता है, उसकी पहचान की जा सकती है जी। क्योंकि फिंगरप्रिंट का जो मुख्य सिद्धांत है कि नो टू फिंगरप्रिंट्स आर आइडेंटिकल अनलेस दे आर मेड बाय द सेम फिंगर ऑफ द सेम पर्सन एंड इट इज नेवर सीन बाय एनी एक्सीडेंटल इंजरीज एलिमेंट्स आर एनी अदर फिजिकल चेंजेस ऑफ अ पर्सन जी। एंड फिंगरप्रिंट डू नॉट चेंज फ्रॉम बर्थ टू डेथ अंटिल डिस्ट्रॉयड बाय डीकंपोजिशन जी। ये जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक जब तक स्किन सड़गल कर नष्ट नहीं हो जाती जी तक सर। है न तो चेंज किया जा सकता है, न ये चेंज होता है, न तो इसमें कोई भी बदलाव आती है जी सर। इसको हम जो है इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की निश्चित पहचान कर सकते हैं जी। ये फिंगरप्रिंट जो है ये विशेष जो है मतलब गुण है फिंगरप्रिंट में जो है। और इसका हाँ और कुछ सर, जैसे आपने बहुत सालों तक फिंगरप्रिंट ब्यूरो में काम किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पर? एक्सपीरियंस कैसा रहा जी सर? देखिए फिंगरप्रिंट ब्यूरो में काम करने से पहले ही एक्सपीरियंस लेकर के तो एक्सपर्ट बना जी। इसके बाद इसमें कार्य लगातार करता रहा मैं और ये जो है फिंगरप्रिंट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की निश्चित पहचान की जा सकती है चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और फिंगरप्रिंट का रोल जो है जैसे एक कैंसर एक भयानक बीमारी है जो कि किसी भी व्यक्ति के शरीर को बिल्कुल नष्ट कर देती है, खा जाती है जी सर। क्राइम उसी प्रकार क्राइम इज ए कैंसर Eating at the heart of civilization. उसी प्रकार जो है जो सभ्यता है जी। अपराध के जरिए जो है इस सभ्यता को जो है समाप्त किया, जड़ से समाप्त कर दिया जाता है जी सर। क्राइम इज ए कैंसर ईटिंग एट द हार्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड फिंगरप्रिंट प्ले ए वंडरफुल रोल इन रिड्यूसिंग द फ्रेटफुल इफेक्ट आप द कैंसर। यानी फिंगरप्रिंट माध्यम से हम इस जो है कैंसर रूपी क्राइम नामक बीमारी को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं जी सर। ठीक है और सर यहाँ पे अभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं बट आपसे वीडियो कॉल से पहले मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे थे तो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उनके क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए प्लीज। हाँ क्या थे? तो पहले गरिमा का एक क्वेश्चन है, वो ये जानना चाहती है कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं क्या उनको कोई मतलब उनको कोई चेंज कर सकता है और अगर चेंज कर सकता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अच्छा देखिए हमने पहले ही आपको बता दिया कि फिंगरप्रिंट जो है वो चेंज नहीं हो सकता। पेट में जब बच्चा भ्रूण जो है 4-5 महीने का होता है उसी समय फिंगरप्रिंट बन जाते हैं और पूरी लाइफ फुल लाइफ जो है जब तक वो जीवित रहता है तब तक फिंगरप्रिंट जो है वैसे ही रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होता। नो टू फिंगरप्रिंट और आइडेंटिकल अनलेस दे आर मेड बाय द सेम फिंगर ऑफ द सेम पर्सन और इट इज नेवर चेंज बाय एनी एक्सीडेंटल इंजरीज एलिमेंट्स आर एनी अदर फिजिकल चेंजेस ऑफ पर्सन एंड डू नॉट चेंज फ्रॉम बर्थ टू डेथ अंटिल डिस्ट्रॉयड बाय डीकंपोजिशन। जब तक स्किन ये सड़गल कर नष्ट नहीं हो जाती यानी आफ्टर डेथ अंटिल डिस्ट्रॉयड बाय डीकंपोजिशन ये चेंज नहीं होती है, वैसे ही रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती।
जी सर। अगर किया गया तो पकड़ लिया जाएगा, अच्छा जी सर, अगर ठीक है। किसी ने जो है फोर्ज कर लिया रबर के स्टैम्प पे जो है, अगर अपने फिंगरप्रिंट्स को बना करके कहीं किसी के बना करके कहीं लगा दिया, ठीक जी है, तो वो पकड़ लिया जाएगा, वो एक्सपर्ट जो है उसको जान जाएगा उसका कारण है। जी जो है ये एक साधारण लाइन नहीं है, इसको हम पॉपुलरी डिजीज कहते हैं, महीन नामों से युक्त डिजीज। ये डिजीज को अगर इनलार्ज किया जाए तो इसमें छोटे छिद्र नजर आएंगे जो कि डीपर लेयर से सरफेस लेयर तक जो है पसीनों को, स्वेट को जो है डिस्चार्ज करते रहते हैं। पसीना हमेशा डिस्चार्ज होता है, इसलिए हम किसी वस्तु को जैसे ही छूते हैं उसमें फिंगरप्रिंट बन जाते हैं। उस फोर्ज प्रिंट जहां बनाए हैं उसको किसी प्लेन सरफेस पे रखिए तो उसमें कोई डिजाइन नहीं बनेगी, मतलब आप लाइव पर्सन होकर के अगर किसी वस्तु को छूते हैं तो उस पर फिंगरप्रिंट बन जाएगी। जी हमेशा जो है स्वेट डिस्चार्ज होता रहता है आपके ये फिंगरप्रिंट से, ठीक है। जी ठीक है सर। और क्या सर अगला क्वेश्चन है वैशाली का, तो वो ये जानना चाहती है कि जो ट्विंस होते हैं तो हाँ उनके फिंगरप्रिंट्स क्या सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? अगर सेम होते हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जी, देखिए हमने आपको पहले बता दिया कि प्रिंसिपल ऑफ फिंगरप्रिंट साइंस, जो फिंगरप्रिंट के जो सिद्धांत है वो परसिस्टेंसी एंड वैरिटी, यानी परमानेंट और अलग अलग होना। जी तो दो व्यक्ति के फिंगरप्रिंट कभी भी एक नहीं हो सकते, चाहे वो ट्विन हो चाहे वो अलग अलग हो, ठीक है। जी ट्विंस के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, यहाँ तक कि ट्विंस ये क्या, आपका जो फिंगरप्रिंट सिस्टम से पहले एंथ्रोपोमेट्री सिस्टम जो है शुरू हुआ था। जी सर एंथ्रोपोमेट्री में शारीरिक नापतौल विधि से जो है फिंगरप्रिंट, शारीरिक नापतौल से किसी व्यक्ति की निश्चित पहचान की जाती थी। तो एक दो हॉफसी थे चीन के जो है, विल वेस्ट विलियम वेस्ट, जी इन दोनों के फोटो जो है, फोटोग्राफ दोनों के सेम, दोनों के मेजरमेंट, शारीरिक नापतौल, फोटोग्राफ सब कुछ एकदम एक्यूरेट सेम थे जो है, यानी इसी दोनों के मेजरमेंट ने जो है एंथ्रोपोमेट्री सिस्टम को जो है फेल कर दिया। उसी दिन से उसको जो है ब्रेक लग गया उसमें कि ये व्यक्तिगत पहचान के लिए सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है। और उनके फिंगरप्रिंट जब लिए गए तो दोनों के फिंगरप्रिंट अलग अलग थे। जी तब से जो है ये फिंगरप्रिंट से मिलान प्रक्रिया जो है ये चालू हुई है। ये अच्छा और 1897 में पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो कलकत्ता में खोला गया, और तब से जो है फिंगरप्रिंट से मिलान किया जा रहा है, और करीब 100 साल से अधिक हो गया आज जो है, कभी भी एक दूसरे के फिंगरप्रिंट जो है मिले नहीं, दो व्यक्ति के फिंगरप्रिंट जो है कभी भी नहीं मिले जो है। तो इस वजह से जो है आपका फिंगरप्रिंट जो है ये बहुत ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन की एक प्रक्रिया है, और चीप एंड बेस्ट है जो है, जो कि सारे वैज्ञानिक के तमाम तरीकों से जो है सबसे चीपेस्ट है। अच्छा है। जी सर। सर अगला क्वेश्चन कुलदीप का है, और वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई डेड बॉडी है और उसके फिंगरप्रिंट को कलेक्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है नॉर्मली अगर हम करेंगे। देखिए इसमें जो है अब ऐसे फिंगरप्रिंट के बारे में जितने क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं इस तरीके से बताना बिना प्रैक्टिकल किए या सामने हुए तो बताना, बता रहे हैं हम जो है, मगर ये कहिए कि आप उसमें परफेक्ट जान जाए उसको, तो इसमें जो है दिक्कत है। प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जो है ये फिंगरप्रिंट का ये शॉर्ट कोर्स वगैरह भी चलता है जगह जगह जो है, उसको भी ये लोग बताते हैं। तो उसको हम बताते हैं कि डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट लेने के लिए अगर उसमें टाइमिंग है, अगर अकड़न उसमें शुरू नहीं हुई है, बॉडी में अकड़न शुरू नहीं हुई है, तो उसको आराम से इंक एंड प्रिंट किया जा सकता है, और जैसे जैसे टाइम पास हो जाता है
बॉडी जो है कट जाती है, ठीक है ना, वो आसानी से अंगुलियों को घुमाया नहीं जा सकता, जी सर, इसीलिए वो दिक्कत होती है फिंगरप्रिंट लेने। तो इसका ये है कि आप जो है मुंह के बल यानी पेट के बल लेटा दीजिए डेड बॉडी को, पलट दीजिए, और स्किन को जो है पानी से पानी वगैरह लगा करके थोड़ा सा मुलायम उसको कर लीजिए ग्लिसरीन वगैरह से, ठीक है, मुलायम हो जाए तो जब आप पेट पर लेटा देंगे तो उसके पंजे सब जो है रिजल्ट जो है नीचे हो जाएंगे। तो जब मेन काम यह है कि आप 10 जो है छोटे छोटे टुकड़े कागज के काटिए और उसमें सभी अंगुलियों के नाम लिखिए, राइट थंब, राइट इंडेक्स, राइट मिडिल, राइट रिंग, राइट राइट लिटिल, और लेफ्ट इंडेक्स, लेफ्ट मिडिल, लेफ्ट रिंग, लेफ्ट लिटिल, ये सब पूरा जो है 10 उंगलियों के नाम जो है लिख लीजिए सभी पर्चियों पे, पहले लिख करके उसको अलग रख लीजिए। और स्पून ले लीजिए, स्पून चम्मच, चम्मच के जो अंदर इनर साइड में उसमें इंक को लगा दीजिए और इंक लगा करके उसके अंगुलियों में अंगुलियों उस पर रख करके प्रेस कर लीजिए, इस प्रकार 10 उंगलियों में इंक लगा लीजिए, ठीक। और फिर इसके फ्रेश स्पून लेकर के उसमें जिस अंगुली का आपको प्रिंट लेना है जी। वो स्लिप रख करके और उसमें जो है आप प्रेस करें उस अंगुली को तो उस पर फिंगरप्रिंट जो है लग जाएंगे, और उसको उठा करके जो 10 डिजिट स्लिप है जिसमें राइट हैंड के 10 और लेफ्ट हैंड के 10 उंगलियों के जो स्पेस जगह बनाए गए हैं उस पर उसको चस्पा कर दीजिए। तो इस प्रकार आप 10 उंगलियों के जो है फिंगरप्रिंट ले सकते हैं डेड बॉडी के, ठीक है सर। और ज्यादा अगर सर गल गया हो तो फोटोग्राफी या एक्सरे भी उसका ले सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन मधु का है और वो ये पूछ रही है कि जो फुटप्रिंट्स होते हैं तो के कंपैरिजन के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। देखिए फुटप्रिंट जो है अगर फुट भागते समय मान लीजिए किसी का मर्डर किया उसने और ब्लड जो है तमाम फैल गया और वो नंगे पांव है उसका पैर उस पे पड़ गया और वो जैसे जैसे भागेगा जिधर से उसके जो है फर्श पे जो है उसके फुटप्रिंट साफ साफ जो है दिखाई देने लगेंगे जो है, तो उसको आप फोटोग्राफ करके सस्पेक्ट पर्सन से मिलान कर सकते हैं आप जो है जिसपे शक हो आपको जो है, ठीक है, या कोई अरेस्ट पर्सन हो तो उससे आप जो है मिला सकते हैं कि ये वही व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार जो है हमारे हाथ की हथेली, पैर के तलवे, अंगुलियां, अंगूठे जिसमें सम्मिलित हैं ये सब पे फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है। द पामर सरफेस ऑफ द हैंड्स, फिंगर्स एंड द सोल ऑफ द फिट इंक्लूडिंग टो, इट इज कवर्ड विथ ए स्पेशल काइंड ऑफ स्किन, इट इज फॉर्म्ड मेनी एलिवेटेड एंड डिप्रेशन माइन्यूट रेड लाइन, एलिवेटेड लाइन्स आर टेक्निकली नोन एज रिजेस and ridges form many type of patterns like arch loop one composite central lateral to index accidental, यानी कि जो हमारे ridges हैं ये जैसे हाथ में है वो इस पैर में भी है, और हाथ में केवल ये टिप पोर्शन पे जो डिजाइन बने हुए इसी के चिन्ह से नहीं मिला जाता, हमारे पाम प्रिंट के किसी भी पार्ट्स के फिंगरप्रिंट्स को जो है वो जो है पूरे पाम प्रिंट से मिलान किया जा सकता है, जो कि बर्थ टू डेथ जो है स्टिल रहता है अपनी जगह पे जो है ये चेंज नहीं होता। तो वैसे ही पैर का है, पैर के सभी अंगुलियां और पैर के तलवों का जो निशान है इस पे ये जो है कभी भी नहीं बदलते, ये भी बर्थ टू डेथ जो है वैसे ही रहते हैं। अगर कोई प्रिंट जो है मिल गया तब तो प्रिंट से इजिली जो है आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि उसकी लंबाई नाप लीजिए, कोई जो है 5 नंबर जूता पहनता, कोई 6 नंबर, कोई 7 नंबर, कोई 8 नंबर, कोई 9 नंबर, कोई 10 नंबर, यानी उसकी साइज जो है, लेंथ जो है और उसकी चौड़ाई ये भी अलग अलग होती है, उससे भी हो सकता है 10 आदमी है, कोई 9 नंबर का सब जो है जूता पहनता है, एक आदमी 6 नंबर का पहनता है, 7 नंबर का,
अगर आपको सितंबर का जो मिला है सीन ऑफ क्राइम पे फुटप्रिंट, तो आप वकीला को तो कहेंगे कि ठीक है आप लोग जा सकते हैं इजिली, जो है आप उसको उनको जो है ये कह सकते हैं कि आप जाइए जो है आपके आपको बाद में बुलाएंगे, मगर जो उसका मिल रहा है 7 नंबर उसके जो है फुटप्रिंट लेंगे, ठीक है ना, उसके सोल प्रिंट लेंगे अगर मिला है तो, ठीक है, जो भी है इससे भी हम साइट से भी उसका मिलान कर सकते हैं जी सर। और उसके कॉस्ट बना करके जो है अगर किसी गीली मिट्टी में पड़ा हुआ है उसका पैर गीली मिट्टी भी रिझे जा जाते हैं साफ साफ, कभी कभी बहुत अच्छे नहीं आते, मगर ये भी प्लास्टर आप पेरिस से कॉस्ट बना करके उसका साइज उसकी चौड़ाई पैर की और रिजेज है तो उससे हम जो है उस व्यक्ति की जो है पहचान कर सकते हैं। अच्छा ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा लास्ट में आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ की नोट, कुछ अच्छा सा पॉइंट वगैरह बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन तो प्लीज बताइए। देखिए फिंगरप्रिंट बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, मगर इसकी जानकारी यानी डीप नॉलेज जो है ये बहुत कम लोगों को है। जी जो लोग पढ़ा रहे हैं फोरेंसिक एजुकेशन से संबंधित जो है, फोरेंसिक साइंस में ये एक ही मुख्य सब्जेक्ट है फिंगरप्रिंट, ठीक है, इसके माध्यम से जो है किसी व्यक्ति की निश्चित पहचान की जा सकती है, यानी ये फिंगरप्रिंट जो है एक अनचैलेंजेबल फैक्ट है, अतः अकाट्य तथ्य है, इससे हम किसी व्यक्ति की जो पहचान करते हैं उसको हम चैलेंज करते हैं कि ये आप ही का है जी। और भी किसी क्ल्यू से हम अगर किसी को ब्लड मिल गया, ठीक है, किसी का सीमन सलाइबा क्लॉथ पीस हेयर पीस मिल गया तो हम चैलेंज नहीं कर सकते उसको, अनचैलेंजेबल फैक्ट नहीं है वो एविडेंस है। तो जैसे जैसे 10 आदमी पकड़े गए सबके जो है बी ग्रुप है, घटना ए ग्रुप मिला है या ओ पॉजिटिव मिला है, तो ओ पॉजिटिव वाले को तो हम रखेंगे, बकिया को कहेंगे ठीक है आपसे मतलब नहीं, ठीक है नहीं, और इसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे जो है। तो ये फिंगरप्रिंट के माध्यम से जो है हम किसी व्यक्ति की निश्चित पहचान कर सकते हैं, उसमें ये नहीं कि हम जो है कोई डाउट है कि इसको जो है ये व्यक्ति है कि नहीं है, कोई शक शुभा की नहीं है। और भी जितने भी इसके टाइप ऑफ मतलब एविडेंस है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, है ना, चैलेंज नहीं कर सकते नहीं ये है ही इसका, मगर मैं बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा क्ल्यू है जिसको कि चैलेंज किया जा सकता कि ये है इस व्यक्ति की उपस्थिति वहां थी निश्चित, ये इस व्यक्ति का है जी सर। पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में जो है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसके फिंगरप्रिंट हो सकते हैं जी सर, ठीक है। तो इसलिए जो है ये फिंगरप्रिंट एक जो जिसको डीप नॉलेज होगा, जो इस पर प्रैक्टिकल जो है कार्य किया होगा वो बढ़िया बता सकता है। फिंगरप्रिंट किताब पढ़कर के फिंगरप्रिंट के बारे में देखिए बेसिक जानकारी, तो हम ये नहीं कहते कि जानकारी नहीं है, मगर बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, कम जानकारी है जी सर। जब तक प्रैक्टिकल हमने ये भी देखा कि पैटर्न तक लोग नहीं पहचानते, जो मामले से 9 पैटर्न भी है जी सर। और कुछ ऐसे जगह मैंने जो है कुछ ऐसे किताबें भी पढ़ी है जिसमें कि लोग किताब पढ़ पढ़ करके लिखे हैं उसमें अपनी ये, कहीं कहीं ऐसी गलतियां किए हैं कि उसको बताया नहीं जा सकता, जो कहने का मतलब तुमको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, बस जो पढ़ा है वही जो है लिख दिया है, और पढ़ा है कहाँ से जो है वो भी भूल गए लिखते लिखते जो है कि वो सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, ठीक है, चित्र भी नहीं पहचानते कि ये कौन सा चित्र है। तो ये बहुत जरूरी है कि फिंगरप्रिंट के बारे में जो है जानने के लिए, फिंगरप्रिंट साइंस को पढ़ने के लिए, यानी कि फॉरेंसिक साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक सब्जेक्ट है जिसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए बैंक में देखिए तमाम लोग जो है अपना खाता खोलते हैं, गांव देहात से आकर कम पढ़े लिखे लोग, है ना, अब बैंक के लोगों को ये पता ही नहीं है फिंगरप्रिंट के बारे में जी। तो हमने कह दिया कि फेस स्कैन लाई फिंगरप्रिंट्स नेवर,
चेहरे तो झूठे हो सकते हैं, आपके चेहरे से मिलता हुआ दूसरा कोई तो हो सकता है, मगर जी फिंगरप्रिंट जो है वो दूसरा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है कोई भी आदमी आकर के फिंगरप्रिंट लगा करके पैसा जो है विदड्रॉल कर ले। तमाम ऐसे केस हुए हैं बैंक के जो है चेक वगैरह पे जो है, जिसको कि एग्जामिन हमने भी किया है, हुआ है यहाँ पर, ये लखनऊ की बात है, समझ रहे। तो इस तरीके से जो है ये फोर्ज हो जाता है, तो जब इसका एग्जामिन होता है उस समय ये पकड़ लिया जाता जी सर है ना। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि फिंगरप्रिंट को कंपेरिजन करना, फिंगरप्रिंट के बारे में जानकारी होना, अच्छी जानकारी जो है देना, फिंगरप्रिंट जी का क्लासिफिकेशन करना, अब कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, इसके बारे में जो है पूरा जो है जानकारी होना, ये बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए जो है बहुत अच्छा जो है वही कर सकता है जो कि ढंग से उसको बताएगा, अच्छे लोगों के आप साथ में जो है पढ़े होंगे तभी जो है। और आपको मैं बता दूं कि आपको क्या, और जो जो लोग भी हैं इससे संबंधित, मैं वीडियो क्या एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं मैं। सुधीर जी हमारे जो है बेस्ट स्टूडेंट रही हैं हमारे, वो एमएससी फॉरेंसिक साइंस में जो है फिंगरप्रिंट का इन्होंने जो किया है, इस पे एक हमारे पास जो है फोटोग्राफ है इनका, मैं दिखा रहा हूँ, इनको फर्स्ट फर्स्ट प्राइज मिला है। तो ये चीज़ जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी जो है, ये देखिए श्रुति जी हमारे, इनको फर्स्ट प्राइज जो है मिला है, इन्होंने एमएससी फॉरेंसिक साइंस करते समय जो है ये एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन साइंस के माध्यम से जो एक कोर्स कंडक्ट किया गया था फिंगरप्रिंट का, उसमें इनको फर्स्ट प्राइज मिला है। हमारी ये बेस्ट स्टूडेंट रही हैं। ये इनका एक वीडियो मेरे पास था जो है फोटोग्राफ, ये देखिए इसमें इनको सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये कुछ यादें हैं पुरानी जो है जो मेरे पास थी जो है, और इसके अलावा ये सब कुछ सारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनके ये सब फोटोग्राफ्स ओके हैं। सर, थैंक यू सो मच सर इस वीडियो के लिए, इस फोटो के लिए। और मेरी शुभकामना सभी जो है जो भी इससे संबंधित जुड़े हुए लोग हैं सभी को, और कोई कार्य मुश्किल नहीं है, आप जिस कार्य को करना चाहें ठान लें जो है निश्चित ही उसमें सफलता और अच्छी सफलता मिलेगी। और जी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, आप कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी जी रहकर किसी भी स्टेज, जो बीत गया उसको भूल जाइए, जो आगे आने वाला है उसको आप देखिए। और भाग्य ऐसा ना आप सोचिए कि ईश्वर ने जो लिख दिया है वही होना जी है ना। आप अपने भाग्य को, अपने डिस्टिनी को स्वयं बना सकते हैं, जी ये सर आपके हाथ में है। ऐसा नहीं कि आप जो है वही हैं, वही जो राम रचि राखा क्यों कर तर्क बढ़ावा, ऐसा कहने जो ईश्वर ने लिख दिया वही हो गया यार, हम तो अब कहाँ हो पाएंगे, है ना, जी ऐसा नहीं है। एक डिस्टिनी की परिभाषा है भाग्य की, कि जी मैन इज द डूअर ऑफ इज ओन डीड, एज सच ही इज द मेकर ऑफ इज ओन करेक्टर, एंड एज द डूअर ऑफ इज डीड एंड द मेकर ऑफ इज करेक्टर इज द मोल्डर एंड शेपर ऑफ इज डिस्टिनी। यानी जिस प्रकार कुम्हार साधारण मिट्टी को तराश करके एक सुंदर घड़ा बना देता है, उसी प्रकार आप अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने कर्म से, अपने चरित्र से, अपने प्रभाव से आप जो है अपने भाग्य को खूबसूरत सजा सवार सकते हैं, और लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हैं, जी सर निश्चित ही आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें। पॉजिटिव थिंक होना चाहिए आपका, कभी भी नेगेटिव थिंक होनी नहीं चाहिए, आप में डिक्शनरी से निकाल दीजिए उस चीज को, हमेशा पॉजिटिव थिंक रखिए और कोशिश करिए, प्रयास करिए। गलतियां तो स्वाभाविक है, मनुष्य करता ही रहता है, मगर आप धीरे धीरे जो है बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं और बहुत अच्छे किसी भी चीज में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, नेवर लुक बिहाइंड बॉयज व्हेन यू आर ऑन द वे, टाइम अलोंग फॉर देयर गोस एंड फ्यूचर डे, यानी जो बीत गया उसको बिल्कुल आप पीछे मुड़कर मत देखवे मत करिए, है ना। जो आने वाला है भविष्य उसको देखिए कि हमको अब क्या करना है, उसमें किस तरीके से हम परिश्रम करें कि जो है बहुत अच्छा जो है सफलता, ठीक है। ओके सुन सर,
थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतनी अच्छी और इतनी सारी इंफॉर्मेशन को देने के लिए, और थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।